सुशासन बाबू के राज में पंचायत प्रतिनिधि खुलेआम कर रहे हैं धांधली। मामला सुपौल जिला सदर अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत किशनपुर प्रखंड क्षेत्र के दुबियाही पंचायत वार्ड नंबर 9 एवं 10 का है। मुख्यमंत्री सात निश्चय गली नली योजना में पंचायत प्रतिनिधि द्वारा खुलेआम हो रही धांधलियां। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा पंचायत में वार्ड में जितनी भी योजनाएं चल रही है, जैसे सात निश्चय योजना, गली नली योजना, मनरेगा, अन्य सभी योजनाओं में खुलेआम धांधली की जा रही है। लाखों की लागत से पंचायत वार्ड में बनी सड़क को 2-4 महीने भी नहीं हुए हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। कहीं कहीं तो वार्ड में ऐसी स्थिति बनी हुई है, थोड़ी सी बारिश होने की वजह से जनता को कीचड़ से गुजरना पड़ेगा। जनता इस कीचड़ भरे रास्ते पर चलने को मजबूर है। आपको बता दें कि दुबियाही पंचायत में लगभग 2 से 3 महीने पूर्व में सड़क की PCC ढलाई की गई थी, जो कि अभी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि वार्ड सदस्य मुखिया एवं सचिव के द्वारा PCC ढलाई में धांधली की गई है। सड़क सही नहीं होने की वजह से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। साथ ही बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों को जब टूटी सड़क एवं कहीं पर सड़क नहीं रहने की बात बताते हैं तो कोई भी प्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। देख लीजिए सुशासन बाबू पंचायत के प्रतिनिधिगण कैसे योजना में खुलेआम धांधली कर रहे हैं। पंचायत की जनता कितनी परेशानियां झेल रही है। पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा हो रही धांधली में गरीब, दलित, मजदूर, किसान लोग कुछ कहते हैं तो कोई सुनते कहाँ है, क्योंकि प्रतिनिधिगण जानते हैं कि जनता को कानूनी प्रतिक्रिया के बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि विभागीय पदाधिकारी क्या होता है। जानकारी नहीं रहने के अभाव में सरकार को कोसते रहते हैं। कुछ लोगों को कानून प्रक्रिया पता है तो क्या करें, दे लेकर निपटा लेते हैं। पदाधिकारी भी प्रतिनिधि से मिले रहते हैं, मिली भगत से चंद रुपयों के लिए बात को दबा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कागज पर ही योजना बन चलती है, कहीं भी योजना का बोर्ड लगा हुआ नहीं रहता है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन, सरकार या पदाधिकारी या प्रतिनिधि? ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इस पर ठोस कदम कौन उठाएगा, इस पर पहल कौन करेगा? सरकार हो या पदाधिकारी या प्रतिनिधि, सभी तो जनता के दिए टैक्स पर जीते हैं, फिर भी जनता क्यों परेशान होती रहती है? जनता के साथ ही ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं मन में। जब किशनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार के पास पहुंचकर योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें भी इस बात की जानकारी नहीं थी, मीडिया बंधुओं के द्वारा जानकारी मिली है। इस कार्य पर तुरंत ही टीम को भेजकर इसकी जांच करवाकर तुरंत ही कार्यवाही करेंगे। जब प्रखंड अंतर्गत विकास होता है तो उसका मालिक प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, लेकिन कैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं कि उनका पता ही नहीं चलता है कि योजना का कार्य पूरा हुआ या नहीं, योजना का कार्य सही तरीके से हुआ कि नहीं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर कुछ तो बात ज़रूर होगी कि कागज़ पर योजना खुल गई, सड़क बन गई, कुछ ही महीनों बाद सड़क टूट गई, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी को पता ही नहीं चला। आखिर प्रखंड में योजना पास प्रखंड विकास पदाधिकारी के ही दस्तखत से होते हैं। क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी को नहीं पता उन्होंने कब, कहां, कैसे अपने दस्तखत किए, या फिर जान के भी अनजान बने हैं? अब देखना लाजमी होगा कि सुशासन बाबू के राज में क्या जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी, क्या नासमझ जनता ऐसे ही सरकार को कोसती रहेगी, या इस पर सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। मुखिया सरपंच सब खाए वाला ये आ नहीं देखे वाला कोई ना बात पेरा थाल में कते हेलते कोसी रास्ता कते हेल हमरा के पेरा सड़क देते तबे ने हेते आ कि सुछे सरकारे बन ना सब आ गेल मुखिया वाले कुछ न कर भा गेले आ क्या नाम है आपका देवकी देवी कहां घर है है या घर छे कौन वार्ड में 10 नंबर वार्ड में यहां पर 50 साल से 60 साल से मरे पानी का सब कुछ का व्यवस्था बहुत गड़बड़ है यहाँ पर हरिलाल पासवान जाने आने में बहुत दिक्कत कहाँ घर हुआ घर दिगिया वार्ड नंबर 10 बताइए हमरा के सर न एनहोका जाए के अवकाश है वना न ओनहोका आवे के अवकाश है न
हाँ हाल खिचर छे, वर्षा बुनी में माल जाल लोग बेच सबके की कहे दिक्कत छे, सबके कष्ट छे, कोई देखे सुने वाला नहीं छे। क्या नाम है? कोई ना सुने छे, लेकिन पुला नहीं बना यहाँ पर। अब कितना लोग को दिक्कत होता सड़क के कारण? यहाँ पर कम से कम जो है हजारों आदमी को दिक्कत होता है यहाँ पर। अभी तक नहीं बना? नहीं, दोबारा नहीं बना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मंजूर है। कौन बनाया थे सड़क? ये बनाया था शंकर मुखिया। मुखिया बना, सरपंच बना, सदस्य को, मुखिया को, सबको कहे मनरेगा से ये रोड पास है सर, लेकिन ये रोड नहीं बन रहा। देख लीजिए किस हाल में हम लोग जाते आते हैं, पैदल भी चलने से मोहताज है हम लोग सर। न मुखिया सुनता है, न सदस्य सुनता है। कहते हैं तो कहता है साल भर के बाद, छह महीने के बाद, और सर कोई सुनवाई नहीं है। मजबूरी सर आप लोगों की कृपया आए, अब आप लोगों के सामने हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद शब्बीर है। कौन वार्ड में? हम सर 10 नंबर वार्ड के हैं। गाँव का क्या नाम है? इस पंचायत क्या नाम है गाँव का? इस नाम दुबियाही पंचायत है सर। दुबियाही पंचायत जी सर। ये आवेदन दिए हैं आप? सर आवेदन तो नहीं दिए सर, आज पहला बार आप लोगों को बुला करके दिखाया जा रहा है सर। आवेदन भी देंगे सर, आवेदन क्या करना मजबूरी, आवेदन भी देना पड़ेगा। सड़क बना जो नापी क्या कर, जो सड़क पड़े से सड़क तैयारी कर, जो हमरा के दिक्कत छ जाय में। कब से दिक्कत है? बहुत दिन से। मुखिया सरपंच को बोले ये चीज? कुछ नहीं, मुखिया सरपंच सदस्य जो भी होता है वार्ड प्रखंड के दुबियाही पंचायत का, जहां विभिन्न योजनाओं से बने सड़क की स्थिति जो है काफी दयनीय है और जगह जगह टूटे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 3 महीने पहले सड़क बना और जर्जर हो गया है, चलने लायक नहीं। क्या जानकारी मिली है, क्या कार्रवाई आपके स्तर से? इसकी जानकारी पूर्व से आपको नहीं थी, आप ही लोग के माध्यम से हुआ है। अब इसका हम जाँच कराते हैं कि किस मद से हुआ है और कितना दिन पहले हुआ है। जाँच कराने के बाद ही हम सर, बड़ी बात यह है कि एक भी बोर्ड कहीं नहीं योजना का लगा। अभी देखते हैं हम 9 और वार्ड नंबर 10 का जो है विजिट करते हैं।